हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों को नंबर्स से ड्राइंग बनाना कैसे सिखाएं। एक्चुअली ये वीडियोस आने वाली हैं मेरे सेकंड चैनल पर। इस चैनल पर तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 to 5 तक, बट बहुत सारी ड्राइंग एक्टिविटीज़ और फन एक्टिविटीज़ मेरे सेकंड चैनल लर्निंग हब फॉर किड्स पर आएंगी और आ रही हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, वन से मैंने बनाई है एक बोट। बहुत ही सिंपल सिंपल सी ड्राइंग्स होने वाली हैं जिसे बच्चा बहुत ईजिली बना लेगा। तो देखा आपने वन से हम कैसे बोट बना सकते हैं। अब टू मैंने लिख लिया है। देखिए, इस तरीके से जब आप बच्चे को सिखाते हो ना तो बच्चे को बहुत मज़ा आता है, बच्चे को बहुत मज़ा आता है। और ये बहुत सिंपल ड्राइंग्स हैं, ये 3, 4, 5 साल के बच्चे बहुत आसानी से बना लेते हैं। मेरी तो बेटी भी बनाती है इसे, थोड़ा सा टफ बना लेती है, और मेरा बेटा है जो 4 साल का, वो इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन में बच्चे बिजी भी रहेंगे और आपका भी थोड़ा सा काम कम हो जाएगा कि बच्चों को क्या पढ़ाएं, कैसे बिजी रखें। तो आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी और बच्चे अपने में मस्त रहेंगे। तो देखिए, आपने टू से हमने बना ली है डक। अब थ्री से हम लोग बनाएंगे पैरट। बहुत आसान है, देखिए मैं बिना इरेज करे पेन से इन्हें बना रही हूँ। बहुत आसान होता है और मैं इस वीडियो को कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ ताकि आप एक एक स्टेप को ईजिली देख सकें और समझ सकें। बहुत आसान होता है बच्चों को इस तरीके से ड्राइंग में बिजी रखना। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लर्निंग हब फॉर किड्स। वहाँ पर मैंने आज सुबह ही एक ड्राइंग की वीडियो डाली है और बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ मैं बच्चों के साथ जो हम कर सकते हैं ना घर पे, वो मैं शेयर करने वाली हूँ वहाँ पर। तो देखिए, मैंने बना लिया है एक पैरट, बहुत ही सुंदर सा। तो चलिए अब 4 और 5 को भी देख लेते हैं। 4 से हम लोग काइट बनाएंगे। देखिए, काइट बनाना बहुत आसान होता है। इस तरीके से लाइंस आपने ड्रॉ कर लेनी है। छोटे बच्चों को इस तरीके की सिंपल ड्राइंग ज़रूर सिखाइए, ये बच्चों के माइंड को शार्प बनाने में काम करती है। मतलब किसी भी नंबर से, किसी भी अल्फ़ाबेट से हम कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आएंगी इस पे और बहुत सारी मैं बना भी चुकी हूँ। तो 5 से हम लोग एप्पल बना लेंगे। देखा आपने कैसे मैंने सिंपल से 5 को इस तरीके से शेप दे दिया कि वो एप्पल बन गया। अब हम जल्दी से कलर करने के लिए दे देते हैं। बच्चे को ड्राइंग सिखाइए, कलरिंग सिखाइए, बच्चे की कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करती है, लर्निंग पावर को भी इम्प्रूव करती है और उसकी सोचने की शक्ति जो होती है ना उसे बढ़ाती है कि वो क्या क्या बना सकता है। 3 से ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बन सकता है, 3 से बहुत कुछ बन सकता है। तो ये बच्चे को सोचने दीजिए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत सारी करवाइए। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ आने वाली हैं। क्योंकि कई लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि लॉकडाउन के लिए स्पेशली कुछ एक्टिविटीज़ बताओ छोटे बच्चों के लिए, तो वहाँ पर वो आएंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। ये वाली वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाई है ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ। तो आज हमने सीखा है 1 से 5 तक के नंबर्स को कैसे हम किसी ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और ये वीडियो परफेक्ट है 3, 4, 5, 6 साल तक के बच्चों के लिए। अगर आप और देखना चाहते हैं 6 to 10 तक सारे नंबर्स को हम चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।